ओके तो फिर से आप लोग को भी दोस्तों एक न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक लेकर के आ चुका हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। एक बार मैं आप लोग को प्ले करके दिखाता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है ना। तो इस तरह का वीडियोस दोस्तों अभी का टाइम इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग कई सारे वीडियोस में भी इस तरह का देखा होगा। तो आज की इस वीडियो पर मैं आप लोग को वही बताने वाला हूं कि आप लोग भी इस तरह का वीडियो दोस्तों कैसे एडिट कर सकते हो फोटो वाले, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना है। चैनल पर अगर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना, क्योंकि और भी इसी तरह का एडिटिंग रिलेटेड वीडियो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों अगर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सो इस तरह का वीडियो दोस्तों एडिट करने वाले हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो अनलाइट मोशन से, ठीक है ना। तो अगर आपके पास अनलाइट मोशन नहीं है तो सिंपल आप लोग को इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोग को फर्स्ट नंबर में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। सिंपल आप उस लिंक ऊपर क्लिक करना। लिंक ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को अनलाइट मोशन एंड कैप कार्ड और भी बहुत सारे एडिटिंग ऐप के लिंक मिल जाएगा। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर सिंपल आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो अनलाइट मोशन डाउनलोड करने के बाद दोस्तों सिंपल आप लोग इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोग को सेकंड नंबर में एक लिंक मिल जाएगा। सिंपल आप उस लिंक ऊपर क्लिक करना। लिंक ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपल आप लोग का सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है ना। तो पहले से ऑलरेडी मैंने यहाँ पर जो वीडियो एडिट करके रखा है, तो सिंपली आप लोग को यहाँ पर कुछ नहीं करना है। सिंपली आप लोग का अपना नाम जो भी रहेगा इंस्टाग्राम आईडी का नाम आप लोग को लिख देना, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो पहले से ऑलरेडी मैंने लिख करके रखा है यहाँ पर स्टार तारानंद कुमार 4, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग को यहाँ पर जाए तो एडिट वगैरह कर सकते हो। एंड उसके बाद आप लोग को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना कुछ इस तरह से। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो पहले से ऑलरेडी मैंने यहाँ से फोटो लगा करके रखा है, ठीक है ना। तो आप लोग को सभी फोटो को जो है यहाँ से चेंज कर लेना, ठीक है ना। तो चलिए एक बार मैं आप लोग को प्ले करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो तो कितना ज्यादा कमाल की, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ से बीट का हिसाब से मैंने यहाँ पर यूज किया इसको, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो कितना ज्यादा बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों इस तरह का वीडियोस बनाने। अगर आप खुद से अगर इस तरह का वीडियोस अगर एडिट करते हैं दोस्तों, आप लोग को कम से कम आप लोग को एक घंटा से दो घंटा आप लोग को टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो पर मैं आप लोग को बने बनाए हुए जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग को यहाँ पर फोटो चेंज करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ से आप लोग को 1 2 3 4 5, तो 5 फोटो आप लोग को यहाँ पर चेंज कर देना, ठीक है ना। तो फोटो आप लोग को कैसे चेंज करना है, तो फोटो चेंज करने के लिए देना आप लोग को किसी एक फोटो के ऊपर क्लिक करना। फोटो के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर कलर फिल का ऑप्शन मिल जाता है। आप लोग को कलर फिल वाला ऑप्शन क्लिक करके देना आप लोग को यहाँ पर स्टार का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो आप लोग को स्टार वाला ऑप्शन पे क्लिक करके देन यहाँ से आप लोग जो भी फोटो को ऐड करना चाहते हो उसको फोटो को यहाँ से ऐड कर लेना, ठीक है। तो चलिए मैं ये वाले फोटो यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। एंड आप लोग को ऊपर में यहाँ पर एक प्लस का आइटन देखने को मिल जाता है, आप लोग को प्लस वाला आइटन क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग का फोटो यहाँ से ऐड हो चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। उस पर आप लोग को फिर से थोड़ा सा आगे की तरफ आ देना कुछ इस तरह से। फिर से आप लोग को सेकंड फोटो के ऊपर क्लिक करके देन आप लोग को फिर से यहाँ से कलर फिल वाला ऑप्शन क्लिक करके फिर से आप लोग को स्टार वाला ऑप्शन क्लिक करके देन आप लोग को फिर से यहाँ से सेकंड वाला फोटो ऐड कर लेना कुछ इस तरह से। फिर से आप लोग को यहाँ से प्लस वाला पे क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो आप लोग का फोटो यहाँ से चेंज होता जा रहा है, ठीक है ना। तो फिर से आप लोग को थर्ड वाला फोटो को जिस तरह से आप लोग को चेंज कर लेना, ठीक है ना। तो चलिए मैं चेंज कर लेता हूँ, फिर आप लोग को आगे बताता हूँ, ठीक है। ओके तो मैं यहाँ से फोटो को चेंज कर दिया हूँ दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है ना। तो उसके बाद आप लोग को स्टार्टिंग में आ जाता हूँ कुछ इस तरह से। स्टार्टिंग में आने के बाद आप लोग को वीडियो को एक बार प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरा वीडियो कुछ इस तरह से बन करके कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो ज़्यादा मेहनत तो अगर आप लोग को कुछ नहीं करना है तो वन क्लिक में दोस्तों आप लोग का वीडियो यहाँ से बन करके रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग को यहाँ से बस आप लोग को नाम चेंज करना है। नाम चेंज करने के बाद आप लोग को फोटो वगैरह थोड़ा सा आप लोग को चेंज कर लेना है, जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों यहाँ पर कितना ज़्यादा जो कि मेहनत लगा इस तरह का वीडियोस बनाने में आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग को यहाँ से बने बनाए हुए वीडियो मैं आप लोग को देने वाला हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है ना। तो उसके बाद आप लोग को नाम चेंज करने के लिए देना आप लोग थोड़ा सा ऊपर की तरफ कुछ इस तरह से स्क्रॉल करना, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है ना। उसके बाद नाम चेंज करने के लिए जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो मैं यहाँ से स्टार लिखा है, उसके बाद मेरा नाम जो यहाँ पर लिख दिया हूँ तारानंद कुमार 4, ठीक है ना। तो उसके बाद आप लोग इसके ऊपर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपल आप लोग को यहाँ पर एक एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो आप लोग को एडिट टेक्स्ट वाला ऑप्शन क्लिक करके देन आप लोग अगर इंस्टाग्राम आईडी का नाम देना चाहते हो तो सिंपल आप लोग को इंस्टा ऐसे ही रहने देना है। एंड आप लोग को यहाँ पर सेकंड नंबर में आप लोग जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मेरा नाम लिखा हुआ है तारानंद, तो सिंपल आप लोग को यहाँ से नाम को कुछ इस तरह से कट कर देना। कट करने के बाद दोस्तों सिंपली आप लोग को यहाँ पर जो भी आप लोग का नाम है वो आप लोग को यहाँ पर लिख देना, ठीक है ना। तो चलिए मैं यहाँ से मेरा ही नाम रहने देता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह से आप लोग को नाम लिख देना। नाम लिखने के बाद आप लोग को यहाँ से डन कर देना, ठीक है। डन करने के बाद जैसे कि देख सकते हैं मेरा नाम वगैरह अभी यहाँ से चेंज हो चुकी है। चेंज हो जाने के बाद दोस्तों सिंपली आप लोग को ऊपर में यहाँ पर एक स्पोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये वाले, ठीक है। तो आप लोग को स्पोर्ट वाला ऑप्शन क्लिक करके देन आप लोग को यहाँ से फिर से स्पोर्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना, जैसे कि आप देख पा रहे हो नीचे में। देन आप लोग को कुछ इस तरह से स्पोर्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना, जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरा वीडियो यहाँ से स्पोर्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। सिंपल आप लोग को थोड़ा सा वेट कर लेना, आप लोग का वीडियो दोस्तों कुछ ही देर में यहाँ से स्पोर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग को थोड़ा सा टेंशन वगैरह भी कुछ भी नहीं लेना, ठीक है। एंड चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, फिर आप लोग को आगे बताते हैं। तो
तो फाइनली दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरा वीडियो से स्पोर्ट हो चुका है, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक सेव का ऑप्शन मिल जाता है, देन आप लोग को सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देने। सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग का वीडियो जो वीडियो का फाइल में सेव हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार मैं आप लोग को यहाँ से प्ले करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरा वीडियो से स्टार्टिंग में आ चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा कमाल के दोस्तों इस तरह का वीडियो जो वन क्लिक में आप लोग भी एडिटिंग कर पाओगे, ठीक है ना। हाँ, पर और एक बात दोस्तों, अगर आपने लाइट मोशन अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड किया हो, अगर आप लोग लिंक के ऊपर क्लिक करते हो, अगर आप लोग का यहाँ से वर्क नहीं कर, तो सिंपली आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग लाइट मोशन को डाउनलोड कर लेना, 100% दोस्तों आप लोग को यहाँ से वर्क करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। तो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो रियल आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। तो आइए, आप लोग को उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जानकारी ऐसा रहा, वीडियो जानकारी ऐसा लगा वीडियो को लाइक कर लेना, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज। तब तक खुश रहो और खुशियाँ बढ़ते रहो।